एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का आपका एसओएससी का स्टेम वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल। एंड आप सभी घबराएं ना, अगर आप किसी और स्ट्रीम को लेने वाले हैं क्लास नाइन्थ में, लाइक ह्यूमैनिटीज़ एंड आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स एंड ऑल दैट, तो उन सभी के लिए भी इसी तरीके की वीडियोस आएंगी एंड बेस्ट बुक्स के लिए भी आएंगी। तो अभी घबराने वाली कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। धीरे धीरे करके आएगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। तो अभी स्टेम वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। और आप सभी बताएं कि नेक्स्ट आपको किस स्ट्रीम के लिए चाहिए और कौन सी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक जो बेस्ट बुक्स की वीडियो है स्टेम के लिए नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। एंड आज जो मैं टाइम टेबल बताने वाली हूँ वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगा, यानी कि आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात एंड इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि यहाँ पे मैं कोई भी झूठा कूठा टाइम टेबल नहीं बताऊँगी कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि आपको सुबह उठना है, फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपको लंच करना है, पढ़ना है, फिर डिनर करना है, डिनर करना है, स्नैक्स लेने हैं। नहीं, ऐसा वैसा कोई टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ। ये जो टाइम टेबल है ये ओनली एंड ओनली आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड होगा। स्टडीज़ से रिलेटेड का मतलब ये है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब आप इसे चाहे स्ट्रेटजी की वीडियो बोले, चाहे टाइम टेबल की वीडियो बोले, जो आपका मन करे वो आप इसे लगा सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी नहीं बताऊँगी कि आपको इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक ये पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया है। अब सबसे पहले बात की जाए तो जो स्टेम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस होता है आपका साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग आप सभी को सिलेबस आई होप पता होगा अच्छे से। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें मैंने लिंक दी हुई होगी, उसे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। तो जो आपकी साइंस है, मैथ्स है, अभी हम फिलहाल इस पर फोकस कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स पर। देखो, रीजनिंग की भी बारी आएगी, लेकिन रीजनिंग को हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें रीजनिंग में ही अपना सारा दिन बिता देना है। नो, रीजनिंग को आपको बहुत आराम आराम से सीखना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जल्दबाजी में नहीं आ सकती, ठीक है। तो अभी मैं साइंस एंड मैथ्स को ही ज़्यादा इस पे रख रही हूँ। तो साइंस एंड मैथ्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, मैथ्स आपकी जो आपका मैथ्स है, मैथ्स हमारी ऐसी चीज़ है जो हमें रेगुलरिटी में करनी होती है, यानी कि कंटिन्यू हमें रखना है मैथ्स को अपनी, किसी भी दिन स्किप नहीं करना कि चलो आज मेरा मन नहीं कर रहा मैथ्स करने का, छोड़ो भाई हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस थिंकिंग से कर रहे हैं तो ना तो आपका एसओएससी में सिलेक्शन होगा, ना ही आप फिर 10th क्लास के बाद 11th क्लास में साइंस ले पाएंगे, और ना ही आप स्टेम को हैंडल कर सकती हैं अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि मैथ्स आपको डेली पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बच्चों ने जितना भी मतलब कमेंट किया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए। एंड आपको एक बात पता होगी कि जो एसओएससी है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलते हैं, जो पेपर्स वहाँ पे मिलते हैं वो उन्हें वहीं के वहीं रखवा लेते हैं ताकि कोई भी ऐसे कॉपी ना कर सके, ठीक है। ये उनकी थोड़ी चालाकी है, तो अब हमें भी थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों से इंटरव्यूज़ लिए थे एंड उनके जो भी एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी हो तो उसकी वीडियो का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, प्रेपरेशन की तो कोई बात ही नहीं है। खैर, स्टेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेफिक्र हो जाएं, मैंने एसओएससी के लिए आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कराई हुई है। और देखो बच्चों, अभी मैं जो कराऊँगी और पहले मैंने जो कराया है तो दोनों सेम ही, क्योंकि मेरा मेथड जो होगा वो तो सेम ही होगा। एंड अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि अब देखो, मेरे पास भी इतना टाइम तो होता नहीं है ना कि मैं हर दिन आपके लिए एक पढ़ाई की वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। मुझे भी अपना करना होता है, तो उसके लिए आपको आपकी पुरानी जो वीडियोस यानी कि पुरानी जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उसे प्लीज़ जाके देखें। उसमें मैंने बहुत कुछ कराया है, आपके चैप्टर्स कराए हैं, ठीक है। तो उसे जाके आपको ज़रूर देखना है, पक्का से देखना है अगर आपको एसओएससी में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे से तो रिलेट ही करके मत चलो। अभी बात करते हैं आपके इस टॉपिक पर आ जाते हैं टाइम टेबल पर। तो देखो,
अगर हम यहाँ पे स्कूल और ट्यूशन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्कूल्स, हाँ स्कूल्स तो सभी जाते हैं, मोस्टली सभी जाते हैं, एक दो दिन ऐसा होता होगा कि हम स्किप कर देते होंगे स्कूल को, वरना स्कूल तो सभी जाते हैं, लेकिन ट्यूशन का ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, और कुछ तो इतना जाते हैं कि उन्हें दो तीन सब्जेक्ट्स के ट्यूशन्स अलग अलग लेने होते हैं और एक एक घंटे के ट्यूशन्स होते हैं। तो उनके लिए अब यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत तो खैर क्या, आप ट्यूशन में पढ़कर आ रहे हैं तो आपको वो रिवाइज़ करना है, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो थक जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात, आपकी बॉडी थक जाएगी, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है कि उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल हो, अगर हम अपने मन में ठान ले तो हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैथ्स की बात की जा रही थी, तो मैथ्स जो है आपका, अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा था कि मैथ्स हमें अपना रेगुलर करना है। अब रेगुलर करने का मतलब क्या है? रेगुलर करने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं मैथ्स को और हमारा तो रेगुलरिटी बन गई, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो मैथ्स करने के लिए कम से कम आप दिन में एक घंटा तो दें। तो अभी हम बात करेंगे कि आपका स्कूल और आपका ट्यूशन के टाइम को अगर हम पूरा इंक्लूड कर दें यहाँ पे, तो स्कूल हमारा 6 घंटे का होता है, 6 आवर्स, ओके। ट्यूशन्स हो सकता है किसी बच्चे का 1 घंटे का हो, किसी बच्चे का 2 घंटे का हो, 2 घंटे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं होगा, और अगर 3 का है तो कोई बात नहीं, वो 3 कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे 2 ही कर रही हूँ, 2 आवर्स हमने यहाँ पे कर दिए, तो 6 और 2 मीन्स आपका हो गया टोटल का टोटल 8 आवर्स, राइट। हमारे 8 आवर्स जो है वो हमारे स्कूल एंड ट्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या स्कूल और ट्यूशन में जाने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन में हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं। अगर हम बहुत अच्छे से बिल्कुल गहराई से ध्यान दें तो देखो, 6 घंटे जो आपके पास है उसमें आपके कुछ फ्री पीरियड्स होते हैं, लाइक एब्सेंटी लग गया, ठीक है, कोई टीचर एब्सेंट है या फिर कोई टीचर टेस्ट ले रही है, तो उस टाइम पे हमारी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक, तो आपके 6 घंटे में से मान लीजिए आपका आधा घंटा आपको मिल गया है एब्सेंटी पीरियड का, या फिर आपको लंच मिला है, ठीक है, लंच तो खैर बात ही हो गई, हमें लंच तो करना ही पड़ेगा, तो इस आधे घंटे को आप यूटिलाइज़ कीजिए, खेले नहीं, खेलने का टाइम नहीं है, खेलना हमें बाद में है और अच्छे वाले स्कूल में जाके है, ठीक है, जहाँ पे हम अपना बहुत अच्छे से पढ़े भीगे और खेलें भीगे और एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ठीक, तो ये जो आधा घंटा आपको आपके स्कूल टाइम में से मिला, कितना मिला आपको, आधा घंटा आपको आपके स्कूल टाइम में से मिला है, इसको आपको यूज़ करना है। आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करेंगे कि आपको वहाँ पे जो साइंस है आपकी, उसको आप रीड करेंगे। साइंस की बुक ले जाना, स्कूल में लेके जाते हैं हम, फ्री पीरियड मिला, ठीक है भाई, जो टीचर ने आपको, मान लीजिए टीचर ने आपको चैप्टर 5 पढ़ा दिया, 6 पढ़ा दिया, कितना भी पढ़ा दिया ये मान लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ से वो कंप्लीट हो गया, नहीं, हम अपने चैप्टर को कंप्लीट तब मानते हैं जब हम उसे लाइन टू लाइन रीड करें, बल्कि कहूँ तो वर्ड टू वर्ड रीड करें, एंड देन हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक, तो आपको इस आधे घंटे में क्या कर लेना है, अपना साइंस जो है उसको रीड कर लेना है। साइंस रीड करेंगे, साइंस का जो भी चैप्टर पढ़ा है, देखो आपने जो चैप्टर पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टीचर का पढ़ा हुआ ही रीड करें, नहीं, अगर आपने अलग से अपनी वीडियोस से पढ़ा है तो आप उसे भी रीड कर सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसके बाद आप बुक नहीं खोलेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आधे घंटे आपने पढ़ लिया, अब ये नहीं सोचना कि वहाँ पे आपका फ्रेंड कह रहा है चलो चलो खेलते हैं, या फिर क्या कर रहा है कुछ गॉसिप्स कर लेते हैं, या फिर जो भी, मतलब जो भी अपना फ्री टाइम करते हैं, तो आपको उसे इग्नोर करना है, उसको ये नहीं कहना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, उसको इग्नोर कर दो यार, चलो कह दो कि आज मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का, मेरा मन नहीं कर रहा बातें करने का, और अपना थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक, तो आधे घंटे में अपनी साइंस को करना, ओके, गॉट इट। उसके बाद आप स्कूल से थकार के आते हैं, थकार के आने के बाद खाना वगैरह, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उनको करने के बाद मेरे ख्याल से आपका ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और ट्यूशन की टाइमिंग आपकी क्या होती है, 4 से 6 तक की हो जाती होगी, या फिर 5 से 6 होती होगी, कुछ ऐसी ही टाइमिंग हमारी रहती है। ठीक, 2 बजे आ जाते हैं स्कूल से, कोई कोई 1 बजे आ जाता होगा, उसके बाद हम ट्यूशन चले जाते हैं अपनी सभी एक्टिविटीज़ करने के बाद। ट्यूशन से आने के बाद मैक्सिमम आपका
क्या है, आपका जो टाइम है वो 6 बज रही होती हैं, कितने शाम के 6 बज रही होती हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, ट्यूशन से आने के बाद आप थक जाते हैं बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं थकेंगे, थकना भाई नॉर्मल है, थक जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा रेस्ट करने का मतलब ये है कि 1 घंटा आपको अगर कुछ खाना पीना है तो वो खा पी लो, अपना कुछ खेलना है तो वो खेल लो, टीवी देखना है तो टीवी भी देख लो, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये 6 बजे आने के बाद 7 बजे तक अपना खाना पीना जो भी कुछ करना है 1 घंटे में अपना वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको 7 बजे से लग जाना है अपनी पढ़ाई करने। 7 बजे से आप क्या करेंगी, 7 बजते ही मैं तो कहूँ 7 बजते ही आपके टेबल पर आपकी मैथ्स की बुक आ जानी चाहिए। किसकी, मैथ्स की बुक आ जानी चाहिए, ठीक है। और आप उस टाइम पे मैथ्स को करेंगे, मैथ्स को करने का मतलब ये है कि आप बुक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एंड अगर आपने किसी की वीडियो देखी है कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखकर फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एंड देन आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अपनी साइंस पर आ जाना है, क्योंकि साइंस भी इम्पोर्टेंट है। साइंस का ऐसा तो नहीं है कि साइंस आएगा नहीं, साइंस भी आएगी, ठीक। अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग की, तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एक दिन में आप एक छोटा सा टॉपिक करके चलें, जैसे कि आपने तो अभी तक रीजनिंग में ये भी नहीं पढ़ा होगा कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, आपको तो इनफैक्ट सिलेबस भी नहीं पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने आपको बनाई हुई है, उसे भी जाके चेक करो, रीजनिंग वाली मेंटल एबिलिटी की, ठीक है। और मैंने उसमें बताया हुआ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो अपने खाली टाइम में, यानी कि जो टाइम हमारा फ़ोन चलाने का होता है, व्हाट्सएप चलाने का होता है, उस टाइम में आपको अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैथ्स भी कवर हो रही है, साइंस भी कवर हो रही है, करेक्ट। मैथ्स कम से कम आपको दिन में 1 घंटा पढ़ना ही होगा मैथ्स को। अब एक और यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि मैथ्स हमें पढ़नी तो है, लेकिन हमें लॉन्ग मैथड से मैथ्स नहीं पढ़नी। मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा, सब कुछ पढ़ा, आपके दिमाग में मेथड भी रहना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन मैथ्स को जितना जल्दी हो सके उसके क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी टिप्स पे निकालने की कोशिश करें। यानी कि आपको पता है कि आपके MCQs आने वाले हैं, तो हमें वहाँ पे ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको बहुत सिंपली जल्दी जल्दी फटाक से अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर टिक कर देना है, इतना टाइम होता है हमारे पास। तो लगा सकते हो मैक्सिमम आप अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी दे रहे हो तो भी वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मैं मैथ्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन मैथ्स की वजह से नहीं हो पाया था, ठीक। मैथ्स काफ़ी हार्ड आई थी और पिछले साल हार्ड आई थी, तो इसके साल तो गारंटी है कि इस साल तो हार्ड आनी ही है, ठीक है। और साइंस आप सभी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अपनी 8th क्लास की, अपनी 8th क्लास की मैथ्स भी पढ़ेंगे एंड देन हम 9th क्लास पे मूव ऑन करेंगे, वो हमारा बाद का काम है, पहले हमें 8th को पढ़ना है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दे रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 8th क्लास में फेल हो जाना है, आपको 8th क्लास में SST भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, ठीक है, और कोई एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर या फिर संस्कृत तो वो भी करना है, तो उसके लिए भी बीच बीच में टाइम निकाले थोड़ा बहुत, लेकिन मेन फोकस आपका मैथ्स पर और साइंस पर रहना चाहिए, क्योंकि 8th में आपके कितने परसेंटेज आए, 60 से ऊपर अगर आपके परसेंटेज आ रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है SOSC में फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए मैथ्स और साइंस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा और फिर आपका एडमिशन पूरा पूरा पक्का है। तो आई होप आपको यहाँ से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो उसे जाके चेक करें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। सेकंड, आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेम स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, जिसकी 8th क्लास की साइंस मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है विद नोट्स, और एक ही वीडियो में आपको एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि 8th क्लास के चैप्टर्स इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक। साथ ही साथ
और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसके MCQs मैंने कराए हुए हैं साइंस के, तो साइंस के लिए तो बहुत सारा मटेरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आपको करना है, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसे जाके करें जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें SOSE के और वीडियोस के, कि कब वीडियो आनी है। और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं जल्द ही वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसी स्ट्रेटेजी को अपनाएं और आपके साथ आपके स्कूल में एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।